अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों आज ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, हवा इतनी बनी हुई है, बिल्कुल हवा नहीं चल रही और बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं जमीन बैठूँ हिम्मत नहीं हो रही, मैं उठूँ यहाँ से और अपने बर्ड खोलूँ, क्योंकि हमारे बर्ड आपको पता है टॉप पे हैं, तो यहाँ पर देखिए पीछे कितनी धूप आई हुई है। अब यही कोशिश है कि यार अब मैं थोड़ा टाइम से उठा करूँ ताकि अपने बर्ड्स को टाइम दूँ, वरना अभी तो धूप आ जाती है तो बर्ड्स के लिए मुश्किल होती है, घूम फिर नहीं पाते, इंजॉय नहीं कर पाते, गर्मी इतनी होती है। अभी दोस्तों भादुर का मास स्टार्ट हो गया, तो सबसे गर्मी वाला और सबसे गंदा मौसम, मतलब कि चिप 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 होती है और हबस ही होती है। अभी बहुत ज़्यादा हबस हो रही है। एक मंथ के बाद फिर मौसम ठीक हो जाएगा, तो एक मंथ हमें बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़नी है। यही मौसम है जिनमें दोस्तों हमारे बर्ड्स कौन से होते हैं वो मरते हैं, तो उनके लिए तो मसला है। और हमारे कौन सा ये मास्टर केज है ना दोस्तों, यहाँ पर मसला अभी तो नहीं है, मसला बनता दोस्तों यहाँ पर जब टाइम होता है 3 का 4 का, ठीक है, क्योंकि दोस्तों सूरज यहाँ सामने आया था जिसकी तरह से टॉप यहाँ पे आकर सीधी धूप पड़ती है, फिर थोड़ा काम ख़राब होता है, वरना अभी कौन सा ये काम ठीक है। तो धूप काफ़ी आ गई है, बर्ड्स को भी खोलना दोस्तों, लेकिन वहाँ पर धूप रहती है। वहाँ पर दोस्तों क्या है कि हमारे कौन से कबूतर है ना वो ऊपर होते हैं, ऊपर ना पड़ती रहती है धूप सारी, ठीक है जी, ऊपर यहाँ पे धूप पड़ती रहती है तो ये गर्म होता है, ठीक है। ये नीचे वाला कौन सा हमारा एरिया ना कुछ ठंडा रहता है, ठीक है। अभी हमारी मिट्टी है जम जाती है, मुर्गे खोलते नहीं है, इसलिए मैं ना मिट्टी को ना पानी वगैरह नहीं लगाता, पहले लगाता था, मैं कहता हूँ अब ये हबस बन जाती है क्योंकि नमी वाला मौसम जा रहा है। दोस्तों अब धूप काफ़ी हो चुकी है, हमारे बर्ड्स भी बड़े उतावले हो रहे हैं कि भाई हमें खोलो, तो पहले कबूतरों को खोलते हैं क्योंकि ये टॉप पे होते हैं दोस्तों, इनके लिए ना इनको खोलना ज़रूरी होता है, ठीक है, इनको लाजमी खोलना। चलो भाई आप सब आ जाओ, अब अभी सारे देखना बारी बारी आ जाएंगे, चलो चलो आ जाओ। सबसे पहले आया हमारा फीमेल जो दोस्तों अंडों पर बैठी है, ठीक है, ये आए दोस्तों हमारे बेवफा कबूतर का जोड़ा, ये बेवफा कबूतरी है और वो बेवफा कबूतर है। आज से मैंने कल आपको कहा था ना, मैंने इनका नाम रखा हुआ है बेवफा कबूतरी और बेवफा कबूतर, तो इनको यही कहना है बेवफा कबूतर बेवफा कबूतरी। और वो पेड़ दोस्तों जो हमारा है ना वो अभी अंडों पर बैठा होगा, तो बहुत जल्द वो भी बच्चे निकालेगा इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। गर्मी बहुत ज़्यादा लेकिन उम्मीद है बच्चे निकालेगा। अभी दोस्तों हमारे 6 बर्ड्स बाहर आ गए हैं, 3 वो हैं और 3 ये हैं, ठीक है, बाकी ये भी अभी बाहर आ जाएगी, ठीक है। ये आपको पता टाइम लगाती है, तो इसको यहाँ से भी खोल देते हैं ना ताकि जिसने निकलना हो यहाँ से भी निकल जाए। ये केज भी खोल दिया, वो सर मादी हमारी बाहर आ गई है, बाकी ये जो हमारे लाल बबरे हैं ना ये बाहर नहीं आते, तो इनको ना खुद निकालना पड़ता है। चलो भाई निकलो, इनको ना निकालते, चलो हमारे सारे बर्ड दोस्तों बाहर आ चुके हैं, ठीक है। और दोस्तों मैंने ना इसके अंदर ना एक और क्रेट लगा दी है, ठीक है, यहाँ पे आगे बस पत्थर रखने बाकी हैं, बाकी क्रेट लग गई है, नेस्टिंग मटीरियल मैंने फेंक दिया है। और देखें हमारे कौन से वो बर्ड है, वो चुन के ले भी, कुछ मैंने फेंक है कुछ वो चुन के ले भी गए, वरना यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। इनका दाना पानी भी ख़त्म हुआ, इनको दाना पानी भी चेंज करते हैं, दाना पानी भी डालते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं अपनी मुर्गियों को भी खोल देते हैं। आ जाओ भाई तुम भी बाहर आ जाओ, ये भी अब सब बाहर आ जाएंगी। ये मुर्गी बाद में कुड़ुक हुई है दोस्तों, लेकिन अभी ना इसका कुड़ुक महसूस भी नहीं हो रहा कि भाई इसको कुड़ुक भी हुई थी, हालाँकि वो अंडों से उठी है उसके बाद ही कुड़ुक हुई, लेकिन वो भी कुड़ुक लगी थी कि भाई वो कुड़ुक है अभी। और ये रहा माशाल्लाह सा हमारा मुर्गा, अभी देखिए माशाल्लाह अब मुर्गा बुलाता है, मुर्गी आ जाती है, अब आहिस्ता आहिस्ता इनका ना पैर लग जाएगा, अभी तक सही लगा नहीं है। मुर्गा फुल ट्राई में अपने के दोनों को अपना दीवाना बना ले, लेकिन मुर्गी कह रही है अभी भाई सब्र करो, अभी तक ना सही पैर लगा नहीं हुआ, अभी साइड पर ही होते हैं, ठीक है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द ना इनका पैर लग भी जाएगा। इनको दाना डाल देना ताकि यार यार सारे इधर आ जाए, ठीक है, वो अंदर ही दाना पड़ा हुआ है वो ही फेंक देते हैं इनको, क्योंकि ये इन्होंने ना ज़ाय कर देना, ये यहीं पर रख देते हैं ताकि ये सारे खा लेंगे। ये देखे माशाल्लाह, और अपना चूजा भी खोल देते हैं, यार ये भी अकेला है, ये भी इसने भी निकलना होगा, चलो यार तुम भी निकलो, आजो 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 आजो। ये देखे माशाल्लाह एक ही चूजा रह गया, लेकिन माशाल्लाह बहुत एक्टिव है, अंदर ही चल चली जाती है ना। चलो भाई निकलो, इसको मैं यार निकाल लूँ एक दफ़ा, चलो भाई निकलो 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 निकलो। दोस्तों ये आटा इनके ये ठंडा होता है, ये इनके लिए मैंने बनाया था, ये इनको यहाँ पे रख देते हैं, जिसने खाना होगा खा लेंगे। चलो भाई आ जाओ, ये खुद ही खा लेंगे, थोड़ा सा ले लेते हैं यार है, अपने दूसरे मुर्गे को भी डालना है। ये देखिए ये डालते हैं अपने इस मुर्गे को,
इस मुर्गे को भी यार जाती है गर्मी। ये बताया ना जब मैं पास होता ना बाल खड़े कर लेता। उस मुर्गे को मारे क्या हो गया। ओ भाई इधर पकड़, इसको बंद करते हैं। ओ तेरी भाई इसको क्या हो गया। ओए ये तो मरा पड़ा है, ये कैसे मर गया। ओए आ जा के, लेकिन यार हमारा अब न्यू मुर्गा भी छोड़ के मैं चला गया है, इसको भी जाके दफनाते हैं अब यार। अब आपके सामने ही है दोस्तों, बैड लक का दिन चल रहा है हमारा, बैड लक पे बैड लक, बैड लक पे बैड लक मिलती जा रही है रोज बरोज। इसी बीच में ऊपर आता हूँ कोई गुड न्यूज मिलेगी, लेकिन गुड न्यूज नहीं है, बैड न्यूज ही चल रही है। यहाँ पे लगता कसम से दोस्तों, यहाँ पे अपने जब परिंदा मरता है दोस्तों यहाँ पर लगता कसम से। यही चीजें होती हैं जिसकी वजह से बहुत से लोग कौन से होते हैं अपना शौक छोड़ देते हैं, क्योंकि जिनसे मोहब्बत हो जब वो आपसे दूर होता है ना, फिर आपका दिल करता है यार मैं रखना छोड़ ही दूं। लेकिन मैं इकट्ठा नहीं करूंगा, मेरे अल्लाह की मर्जी यार, जो करता है अल्लाह ही करता है और बेहतर के लिए होता है हमेशा। तो कोई नहीं, जानदार चीज है, एक ना एक दिन मरना तो सब ने लाजमी है। सांसों वाली चीज का हमेशा याद रखे दोस्तों, सांसों वाली चीज का कोई पता नहीं होता वो कब छोड़कर चली जाए, क्योंकि अल्लाह की जात है जो दोस्तों सब करने वाली है। इसमें भी कोई बेहतरी होगी, इसका टाइम था तो चला गया, दिल छोटा नहीं करना हमने इंशाल्लाह ताला। बाकी बर्ड्स को हमने केयर करनी है इंशाल्लाह ताला, एक गया है हमारा तो इंशाल्लाह ताला और भी आ ही जाएंगे। ये गया ना इंशाल्लाह ताला, इसके बदले अल्लाह हमें और देगा। बाकी हमारे माशाल्लाह से सारे बर्ड्स बिल्कुल ठीक हैं। देखो मैं भूखा था, हमारा रेसर कबूतर जो आके खाने लग गए, और हमारे बेवफा कबूतर ने दोस्तों दोबारा से नेस्टिंग मटेरियल तैयार कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द ना ये भी अंडे स्टार्ट कर देंगे। और मैंने आपको यार वो कौन सा रेसर कबूतर है ना, उसका कहा था कि यार उसके लिए हम वो ना फीमेल निकली है, हमने ना इसका नर लेके आना है, तो इसका बहुत जल्द ना नर भी लेके आएंगे, ठीक है। वो हमारी जोड़ी कौन सी है, वो सबसे अलहदा ही होती है, हालांकि लगी भी हुई है लेकिन फिर भी पता नहीं उसको क्या है, अभी तक ना अंडे नहीं दे रही। अब तो हमारा ये चूज़ा कौन सा है बिल्कुल अकेला हो गया यार, बहुत ज़्यादा अकेला हो गया। तो मैं इसके लिए सोच रहा हूँ कोई ना कोई बर्ड लेके आऊँ, लाजमी इसके साथ छोड़ू यार जो इसके साथी बने। अभी तो देखो ना माशी बिल्कुल अकेला रह गया, तो इसका कुछ करना पड़ेगा, ऐसे अकेले में तो नहीं इसका ना। अब ये अपना अब हमारे हैंड टेम हो जाएगा, ठीक है, हाथ पे इसको खाना खिलाएंगे ना, फिर ये चुटकी पे भी हो जाएगा और हमारा हैंड टेम ही होगा, हमसे डरेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि अकेला हो गया, अकेला फिर ऐसे ही होता है। माशाल्लाह से बाकी बर्ड्स हमारे बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह से बहुत एक्टिव हैं, और इस टाइम खाते हुए बड़े प्यारे लगते हैं, ठीक है। अब देखें माशाल्लाह खा रहे हैं ना, बहुत प्यारे लगते हैं, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हमारा वो कौन सा मुर्गी का पैर है वो भी लग जाएगा। अभी देखें ना गर्मी बहुत ज़्यादा होती है इसलिए ना वो बाहर आता नहीं है, इसलिए दोस्तों मैं सोच रहा हूँ ना कि आगे से ना टाइम से उठूँ ताकि अपने बर्ड्स को खोल सकूँ टाइम से, और टाइम से वो फिरते रहें। अभी देखें ना गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है, हमारे कबूतरों का कोई नहीं पता, वो तो ठीक है वो तो फिर लेते हैं गर्मी में भी, लेकिन हमारे कौन से ये मुर्गियाँ मुर्गियाँ हैं ना इनका होता है, क्योंकि इनके पार बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, तो इसलिए ना इनको खोलना लाजमी होता है, ठीक है। अभी इनको दोबारा बंद करते हैं, बंद नहीं करते यार, वो मुर्गे ही बंद करना पड़ना, बाकी यहाँ पर फिरते रहे, ठीक है, क्योंकि यार मैंने अभी क्या करना है, इसको बाहर दफनाने जाते हैं, इसको बाहर जाके दफनाते हैं, ये ना वो मुर्गा आके यहाँ से लड़ने लग जाए। चलो फिर इसको मुर्गी को साथ ही बंद कर देते हैं, चूज़ा भी साथ ही जाएगा, चलो इसको ऐसे बंद कर देते हैं, यार बिल्ली का डर होता है इसकी वजह से ना मैं इनको बंद करके जाता हूँ, ठीक है, इनको बंद कर देते हैं। कबूतर हमारे अल्लाह के आसरे हैं, इनको कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। क्या करते हैं दोस्तों, चलते हैं इसको दफना के आते हैं, वहीं पर दफनाएंगे दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ वो वहाँ पे हमने पिछली दफ़ा अपने मुर्गा और अपनी कौन सी पैरट था वहाँ दबाया था, वहीं पे चलते हैं इसको जगह ना वहाँ पे दबा के आते हैं, ठीक है, इसको उठा लेते हैं, ये उठाते हैं खोदने में मदद मिलेगी, चलते हैं दोस्तों इसको बाहर और इसको जाकर दफनाते हैं। Thank you.
दोस्तों मुर्गे को हमने दफना दिया, वहीं पर जहाँ पे हमारे पहले बर्ड दफन थे, पहले बर्ड हमारे वहाँ पर दफन थे, अब हमने किया यहाँ पर दफन। ठीक है, यहाँ पर दफन कर दिया। बाकी जो दोस्तों होता है अच्छे के लिए होता है, अल्लाह की मर्जी, जो हुआ सो हुआ, क्या कर सकते हैं दोस्तों। हमारे पास था कुछ अरसा रहा है, दफना दिया, अब हमारा काम ख़त्म हो गया, अल्लाह हमें इंशाल्लाह और देगा। दोस्तों बस यही थी आज की हमारी वीडियो, इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।